इमाम जामिया में आ चुके हैं और यहाँ पर वकील बहुत भारी तादाद में प्रोटेस्ट में शामिल हो गए जानते हैं उनसे वो कहा जाते नहीं चलेगी। बिलाल खान नाम है मेरा। लाल आप यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनआरसी और सीए का मामला आप सबके सामने आया है। देखिए हम लोगों को किसी चीज से परेशानी नहीं है, सीए से परेशानी। एनआरसी देखिए मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ लेकिन मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट है, तो उसके बाद भी क्या मैं यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ? मैंने वोट दिया है। एडवोकेट आपके साथ यहाँ पर आ चुके हैं, सरकार का आप पे ये आरोप है कि ये आप लोगों ने लोगों को यहाँ पे जो एक तो ये कांग्रेस वाले जो है वो आपको मतलब फाइनेंस कर रहे हैं और दूसरी चीज आप लोगों को भ्रमित करा रहे हैं, उनमें डर बैठा रहे हैं कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद पहली बात तो इसमें कुछ पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, हम अपने घर से उठ के आ गए, हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया और ना हम इतने कमजोर है कि हमें पैसे लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने राइट्स के लिए यहाँ पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम अपने हमेशा अवेल करते रहेंगे, वो हमारे राइट्स हैं, हम कहीं जाने नहीं देंगे। और जब तक होगा, जब तक लंबे वक्त तक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा हम रोज आएंगे, रोज आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीएए के खिलाफ मुसलमान के खिलाफ नहीं है, जबकि वो इंटरकनेक्टेड है, सीए आएगा तो मुसलमान एनआरसी में निकलते जाएंगे। मेरा नाम मदनलाल कलकल है और मैं जामिया का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे फख्र है कि मैं जामिया का स्टूडेंट रहा हूँ। और ये सरकार जब से इस देश के अंदर आई है ये हमेशा संविधान के खिलाफ इसने सारे काम किए हैं, जितने भी एक्ट जितने भी प्रक्रिया इसने आज तक किए, जितने भी फैसले लिए वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में लिए हैं। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है ये भी हमारे खिलाफ है, ये देश को तोड़ने वाला बिल है, ये भाई को भाई से लड़ाने वाला बिल है। कैसे ये जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगेंगे, जो डॉक्यूमेंट इसमें मांग रहे हैं 1970 से पहले का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, और डॉक्यूमेंट किसके पास नहीं होता? गरीब आदमी के पास में नहीं होता, जो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ से बाहर जाता है, गरीब आदमी के पास में डॉक्यूमेंट नहीं होता। पूंजीपति धनाढ्य लोग, पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग सारे डॉक्यूमेंट रखते अपने पास में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि क्या आपके पास में कोई 1970 से पहले का डॉक्यूमेंट है? अगर नहीं है तो आप कहाँ से लेकर के आएंगे, किस तरीके से आप प्रूव करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? इनके इस बिल में यही समस्या उठाई हुई है कि जिसके पास में 1970 से पहले का डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अगर जो भारत का नागरिक नहीं होगा तो कहां पे रखेंगे? रिफ्यूजी कैंप में? मतलब हमारे देश के लोगों को आप रिफ्यूजी कैंप में ले जाकर के रखेंगे? और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो भारत बाहर से लोग आएंगे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू बौद्ध जैन और सिख आएंगे, हम उनको नागरिकता देंगे। मतलब उनको तो नागरिकता देंगे, हमारे देश के लोगों को नागरिकता नहीं देंगे, उनको रिफ्यूजी बना करके रिफ्यूजी कैंप में रखेंगे। मैं बार काउंसिल की चेयरमैन भी रही, एक्स चेयरमैन हूँ मैं, तो मेरा मैं आज आई हूँ सॉलिडेरिटी में इन बच्चों के साथ जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं यहाँ पर, और मैं अपोज कर रही हूँ ये सीएए को भी और एनआरसी को भी, क्योंकि अभी सीए आया है उसके बाद एनआरसी है, दोनों को मिलके ही पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इसका असर जो है सीए का, ये एनआरसी के साथ जोड़ के पड़ेगा सबके ऊपर। जो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ आए हुए हैं उनको बेशक आप दीजिए, सिर्फ यहीं पे रोक दीजिए, एनआरसी मत लाइए, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको क्या जरूरत है एनआरसी की, ये साबित करने की कि वो यहीं के नेशनल है, सारे यहीं के नेशनल है। जो लोग गैर कानूनी तौर पर उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको डिपोर्ट करिए, मूल से निकालिए, ना कि उनको यहाँ के और सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं आप। और सारे इससे सारे देख रहे कोर्ट जो है वो जस्टिस देने को तैयार नहीं है, वो इसको मामले को टाल रही है, गवर्नमेंट से डर रही है। सीएए के खिलाफ एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, जामिया में घुसकर जो स्टूडेंट के साथ बदतमीजी की गई थी जो इनलीगल था, कानून के खिलाफ था, उधर सीएबी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें हर इंसान को हक है अपना अपनी बात कहने का, और ऐसा आवाज मोदी जी नहीं दबा सकते। अब उफान आ चुका है, जितना जुल्म ज्यादती करेंगे इतना ही उफान ऊपर आएगा, अब उफान बिल्कुल उरूस पे है, अगर अपनी बात नहीं मानेंगे तो अब सड़कों पर हम लोग आ चुके हैं। जब पुलिस ने आईटीओ पे लाखों की तादाद में धरना प्रदर्शन किया, उनके परिवार वाले आए और पूरा रास्ता जाम कर दिया, तब शायद गृह मंत्री साहब सो रहे थे, अगर लाठी का प्रहार करना था तो उन पे करते, जिन्हों ने रास्ता पूरे 24 घंटे बंद रखा। देखिए ये कानून पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें धर्म के आधार पर आप इस देश को नहीं बांट सकते, ये आर्टिकल 14 का बिल्कुल पूरी तरह वायलेशन है।
हम इसके खिलाफ है। संविधान के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं होने दे सकते क्योंकि हम लॉयर्स हैं, हमें पता है संविधान के साथ इन्होंने क्या छेड़छाड़ की है। हम जो बात कर रहे हैं या जामिया में है वो इसलिए है कि ये बिल्कुल इलीगल है, ये काला कानून है, इसके खिलाफ है। इसलिए जब तक NRC और ये CAA वापस नहीं होगा, हम क्या पूरे भारत के सारे नागरिक साथ रहेंगे? और यहाँ पर हमारे साथ जो एडवोकेट आए हैं वो हर कम्युनिटी से हैं, ये किसी एक धर्म का मामला नहीं है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर जो आज इन्होंने कानून बनाया है, जो मतभेद किया है, वो बिल्कुल गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी है, इसलिए हम इसके खिलाफ है बिल्कुल। सरकार आप लोगों पर यह आरोप लगा रही है कि आप इसमें NRC का जो लेना देना है वो हिंदू मुस्लिम से नहीं है, कैप का जो लेना देना है वो किसी यहाँ भारतीय मुसलमान को वो अफेक्ट नहीं करेगा, तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? अरे अमित शाह कुछ कह रहे हैं, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस कुछ कह रहे हैं, दोनों में पहले दोनों सही नहीं बोल रहे हैं, पहले वो बताएं क्या है ये। और वो लोग आप पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को, जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि उनका इनसे कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप लोग जो है वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है, जनता को भ्रम कोई नहीं कर सकता, एक एक बच्चा सड़क पे है, मायने बच्चे सड़क पे है, तलवा सारे सड़क पे है, सबको पता है क्या है ये बहका रहे हैं सब लोगों को, दूसरे लोगों को हमारे अलावा।